में सोर्सेस ऑफ एरर कम होंगे या चांसेस ऑफ एरर कम होंगे एज कंपेयर टू सेकेंडरी डेटा. सेकेंडरी डेटा किसने कलेक्ट किया, कहां से कलेक्ट किया, वो एजेंसी कौन थी, उसकी विश्वसनीयता रिलायबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका सेकेंडरी डेटा कितना एक्यूरेट है. जैसे अगर किसी ने ये रिसर्च किया हुआ है कि डीमोनेटाइजेशन से गवर्नमेंट को कितना फायदा कितना नुकसान हुआ, या डीमोनेटाइजेशन से आप आजकल न्यूज में सुन भी रहे हो, अलग अलग लोग कह रहे हैं कि डीमोनेटाइजेशन एंड जीएसटी लागू करके गवर्नमेंट ने गलत डिसीजन लिया. बहुत सारे इकोनॉमिक्स ये कह रहे हैं कि नहीं, इससे इंडिया को नुकसान हुआ है. कोई कह रहा है कि सही तरीके से लागू नहीं किया. किसी ने बोला दिवाली के बाद लागू करना चाहिए था. किसी ने ये बोला दैट इज कि अभी फायदा नहीं हो रहा, आगे जाके फायदा होगा, आगे जाके इंडिया की इकोनॉमी इससे स्ट्रॉन्ग हो सकती है. सबके अलग अलग राय है. सो लेट्स इमेजिन किसी ने इसके ऊपर रिसर्च किया हुआ है कि डीमोनेटाइजेशन का या जीएसटी का क्या फायदा क्या नुकसान हुआ, तो या कितने लोग इसके फेवर में थे. आप किसी और की डेटा को इसमें कलेक्ट कर रहे हो तो डिपेंड करता है कि वो एजेंसी कौन है, उसकी एजेंसी की रिलायबिलिटी कैसी है. हो सकता है कि ये वो एजेंसी हो जो गवर्नमेंट के फेवर में ना हो, हो सकता है ये वो एजेंसी हो जो गवर्नमेंट के फेवर में हो. सो उसकी रिलायबिलिटी के ऊपर डिपेंड करेगा. ऑलवेज कीप इट इन माइंड, हर प्राइमरी डेटा सूनर और लेटर कन्वर्ट हो जाता है सेकेंडरी डेटा में. सभी को समझ में आया, आपकी की गई रिसर्च जब पब्लिश हो जाएगी, उसका डेटा पब्लिश हो जाएगा, तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, सेकेंडरी डेटा के अंदर. सभी को समझ में